हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकित कौशल। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा बेटा, सभी अपने घर में रहो, सेफ रहो, ठीक है ना। तो बेटा, ये वीडियो काफ़ी बच्चों ने मेरे पास मैसेजेस किए हैं कि सर वीडियो बना दो, ठीक है। तो आज की हम क्लास में 10th क्लास के टॉपिक कुछ पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, हमारे चैनल जो है संजय क्लासेस यूट्यूब पर बेटा, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए जो वीडियोज़ आपको अच्छी लगे, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। देखो बेटा, लॉकडाउन का टाइम है और मैं चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे की स्टडी ना रुके, इसलिए हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रखे। अकाउंट्स की क्लासेस स्टार्ट हैं, इकोनॉमिक्स के स्टार्ट हैं, पॉल साइंस के स्टार्ट हैं, हिस्ट्री के स्टार्ट हैं। तो आप जो भी क्लास आपके फ्रेंड्स या जो भी आपके कॉन्टैक्ट में लेना चाहे आप बता सकते हो उनको, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, ठीक है ना। लाइव क्लासेस चलती हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप क्या करो, हमारे चैनल संजय क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। दूसरी बात बेटा, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं, वो आपको हर एक डिटेल आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है 10th क्लास का साइंस का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बेटा ये मेरे नोट्स है जो कि मैंने खुद बनाए हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपसे आपको इन्हीं से पढ़ाऊंगा, और किसी भी बच्चे को अगर इनकी नोट्स की पीडीएफ वगैरह सेंड कर दूंगा मैं, आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना डायरेक्ट, या फिर इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना नोट्स के लिए, ठीक है ना। चलो जी, तो बेटा जैसा कि आप देख रहे हो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहली बात बेटा जो कि हमें पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए, क्या बेटा? आपको नाम को अच्छे से पढ़ना है, नाम का मतलब पता होना है, यानी कि ये पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हैं। अगर आपको यही नहीं पता तो आप क्या करोगे, समझ में आ रही बात? तो चैप्टर का नाम जैसे कि आपको पता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये 1 2 3 4 चार वर्ड्स इसके अंदर हैं। आपको इनका सबका मतलब पता होना चाहिए, इस एंड को तो छोड़ दो, सबको पता होता है, इनके मतलब सबको पता होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ऐसा हो कि आपको क्या कहते हैं, अगर आपको कोई मूवीज देखने को दे दी जाए और मैं उसका टाइटल ना बताऊं, ठीक है, और आपको बीच में से कहीं से देखने को दे दी जाए, तो मे भी आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको यही नहीं पता उसका टाइटल क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, सिंपल सी बात है। तो इसी तरीके से अगर मैं चैप्टर को डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, ये ना बताऊं कि किस बारे में है वो चैप्टर, क्या है क्या नहीं है, तो मे भी आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो बेटा इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो सबसे पहले हम इन वर्ड्स की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? केमिकल रिएक्शन की। तो आइए चलिए करते हैं थोड़ी सी बातचीत, ठीक है ना। और खेल खेल में बेटा हम केमिस्ट्री पढ़ना सीखते हैं, केमिस्ट्री का ही चैप्टर है ये, ठीक है ना। और मेनली मैं 11th 12th को केमिस्ट्री ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। साइंस तो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और ज़्यादा बर्डन की दिक्कत मतलब बेटा, सारी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। चलो तो बेटा हमारा जो एक वर्ड आया अभी, क्या जो कि हमें पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ना है? केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली बात तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा? इसको इन्हें बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि आप देखते हो कि हमारा जो टॉपिक है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो हम मेनली पहले इसी के बारे में जानते हैं, असल में होती क्या है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन बोला जाता है कि केमिकल रिएक्शन एक रासायनिक अभिक्रिया हम उसको कहते हैं, इट इज़ द रिएक्शन, कहते हैं ये वो रिएक्शन है जिसमें किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या है ये? वो रिएक्शन है जिसमें किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विद न्यू प्रॉपर्टीज, मतलब कि कोई नया उत्पाद बनेगा, ठीक है। क्या होगा? कोई नया प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा,
विद न्यू प्रॉपर्टीज, मतलब कि कुछ नई गुणधर्मों के साथ, समझ में आ रही बात। तो इसलिए इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन है, ध्यान से देखना क्या है। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस, यानी कि एक प्रक्रिया है। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस विच इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, यानी कि केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रिया वो प्रक्रिया है जिसमें कुछ नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विद न्यू प्रॉपर्टीज, यानी कि कुछ नए पदार्थों का उत्पादन होता है नए लक्षणों के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं नई प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है ना, नए गुणधर्मों के साथ, समझ में आ रही बात। तो इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, यानी कि अब देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया वो प्रक्रिया है जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है किसके साथ, नई प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू प्रॉपर्टीज, सॉरी, इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनके, कि मतलब क्या है सर इसका, हमें समझ में नहीं आया थोड़ा सा, मतलब क्या है वो बताओ। बेटा मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जो कि मैं हर बार लेकर समझाता हूँ क्लास में, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है, मैं बोलता हूँ आओ हम कलर्स के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। तो मैंने बोला एक वाइट कलर, और वाइट को डिनोट कर रहा हूँ बेटा डब्ल्यू से, और ये चीज़ सबने करी हुई है, इसमें एग्जाम्पल देता हूँ, सब समझ जाते हैं इजली इससे। तो बेटा एक वाइट कलर लो, उसमें क्या करो एक ब्लैक कलर डाल दो, ठीक है, और वाइट और ब्लैक के कलर से जो मिक्स करने के बाद आई थिंक जो बनता है वो ग्रे कलर बन जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करा, वाइट कलर लिया, ब्लैक कलर लिया, दोनों को मिलाया, ग्रे कलर लिया। बेटा ये आप घर में करके देख सकते हो, आपके पास वाटर कलर हो दोनों को मिलाकर देखना, हल्का सा ग्रे कलर बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, आपने दो चीजों को मिलाया और एक नई चीज बनी। केमिकल रिएक्शन भी यही कहती है बेटा। केमिकल रिएक्शन क्या कहती है, केमिकल रिएक्शन कहती है कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विद न्यू प्रॉपर्टीज, किसके साथ, नई प्रॉपर्टीज के साथ उनका फॉर्मेशन होता है। अब यहां पर भी हमने यही देखा, ठीक है, यानी कि जब हमने दो चीजों को मिलाया एक नई चीज बनी, और एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहां पर, वो कहते हैं कि जो चीज बनी है ना, जो प्रोडक्ट बना है, जो पदार्थ, जो प्रोडक्ट या फिर सब्सटेंस, जो सब्सटेंस बना है वो नई प्रॉपर्टी के साथ, न्यू प्रॉपर्टी के साथ बना है। और एक कमाल की बात पता है क्या है, ये जो प्रॉपर्टी आएगी ना उस प्रोडक्ट की, वो प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट, पूरी तरीके से अलग होगी जिनसे वो मिलकर बना है। क्या बोला मैंने, जो नया सब्सटेंस बना है उनकी जो प्रॉपर्टी होगी, जो उनके गुणधर्म होंगे, वो जिनसे मिलकर बना है उनसे बिल्कुल अलग होंगे, समझ में आई बात। कुछ जैसे कि यहां पर हमने देखा ग्रे कलर, ग्रे कलर बेटा किन से मिलकर बना है, एक तो व्हाइट से, एक ब्लैक से, ठीक है, दोनों से मिलकर बना है। अब एक बात बताओ मुझे, क्या ग्रे कलर कभी व्हाइट जैसा दिखता है तुम्हें, नहीं, ग्रे कलर की प्रॉपर्टी बेटा व्हाइट से बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। क्या ग्रे कलर ब्लैक जैसा है, नहीं, क्यों, क्योंकि वो ब्लैक जैसा दिखता ही नहीं है, सिंपल सी बात है, उसकी प्रॉपर्टी अलग है, ब्लैक की प्रॉपर्टीज अलग है। तो आपने यहां पर एक चीज देखी, क्या देखा, कि जो नया प्रोडक्ट बना उसकी प्रॉपर्टीज जिनसे वो मिलकर बना है उनसे बिल्कुल अलग है। इसीलिए बोला जाता है कि प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड हैविंग द डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द रिएक्टेंट्स, यानी कि जिनसे वो मिलकर बनाए उनसे उनकी प्रॉपर्टीज एंटायरली पूरी तरीके से अलग होती है। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, अपने घर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। घर में जो है चाय सब बनाते बच्चे, मेनली लड़कियां तो सारी बनाती होंगी चाय, ठीक है ना, और जो नहीं बनाती बेटा बनाना सीख लो, काम आएगी, ठीक है ना, और लड़कियां ही क्या, लड़के भी सीखो सारे के सारे, ठीक है। तो बेटा चाय जब बनाते हो तो आप उसमें क्या करते हो, अभी इसको ओरली सुन लो पहले, बेटा चाय बनाते हो तो उसमें क्या करते हो, पहले जो है, अब देखो कुछ पानी डालते हैं, कुछ दूध दूध में बनाते चाय, ठीक है, डिफरेंट तरीके सबके। तो जो पानी डालते, पहले पानी डालते हो, पानी को अच्छे से उबालते हैं, ठीक है, उसमें चाय पत्ती डालते हो। आपने एक चीज देखी होगी, वहां पर नोटिस की होगी कि जैसे ही चाय पत्ती डालते हो उस पानी का कलर पूरा चेंज हो जाता है, हो जाता है, आगे एग्जाम्पल मिलेंगे और भी ऐसे ही, ठीक है। फिर आपने चाय पत्ती डाली, ठीक है, चाय पत्ती डालने के बाद उबल गया पानी, उसके अंदर आपने डाली चीनी,
चीनी जैसे डालोगे घुल जाएगी चीनी भी, डिजोल्व हो जाएगी उसके अंदर। फिर आप जैसे ही दूध डालोगे कलर फिर से चेंज हो जाएगा और एक मस्त सी कड़क चाय तैयार हो जाएगी आपके पास, ठीक है ना। अब आपने एक चीज देखी वहां पर, आपने क्या क्या डाला उसके अंदर, शुगर डाली यानी कि चीनी डाली, चाय पत्ती डाली, दूध डाला, और अब फाइनली आपके पास एक प्रोडक्ट तैयार हुआ है, फाइनली आपके पास एक प्रोडक्ट तैयार हुआ है जिसको हम बोलते हैं चाय। क्या बोलते हैं बेटा? चाय। देखो चाय बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है ना। तो वो जो चाय बनी है वो एक फाइनल प्रोडक्ट है, और जिनसे वो मिलकर बनी है वो हमारे दूसरे प्रोडक्ट है, यानी कि वो पहले वाले प्रोडक्ट थे। अब मुझे एक बात बताओ, जो चाय बनी है क्या वो चीनी जैसी दिखती है? नहीं। क्या वो चाय पत्ती जैसी है? नहीं। क्या वो दूध जैसी है? नहीं। क्या वो पानी जैसी है? नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर हुई है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना है वो एंटायरली डिफरेंट, पूरी तरीके से डिफरेंट है जिनसे वो मिलकर बना उनके। आई बात समझ में? तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। यानी कि केमिकल रिएक्शन में आपको एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और भी एग्जांपल्स देखेंगे हम, ठीक है ना, समझेंगे उसको। समझ में आई बात? तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, और जो उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होगी वो एंटायरली डिफरेंट, पूरी तरीके से अलग होगी किनसे, जिनसे वो मिलकर बना है उनसे। आई बात समझ में? तो ये थी हमारी केमिकल रिएक्शंस, आगे कुछ एग्जांपल्स और भी देखेंगे हम, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी चीज क्या है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया हो, जिसको नहीं समझ में आया बेटा मेरे पास मैसेज करना, डाउट क्लियर करना अपने, ठीक है। अब आगे कहता है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंज। बेटा इसका मतलब ये है केमिकल रिएक्शन जो होती है ना वो केमिकल चेंज इन्वॉल्व रहते हैं उसके अंदर। केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, एट्थ क्लास में पढ़ा था आपने, ठीक है ना। केमिकल चेंज सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो केमिकल चेंज में मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या रहती है? केमिकल चेंज इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको आपकी बुक का एक एग्जांपल देता हूं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। यानी कि हमारे पास क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम एक हमारे मेटल में आता है मैग्नीशियम, ठीक है, सबको पता है मैग्नीशियम क्या है। तो मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, मेटल है। तो बेटा उसको हम अगर हम जलाते हैं हवा में तो क्या होता है वो चीज देखते हैं, ठीक है। तो मैंने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, ठीक है, उसको मैंने जलाया, मैग्नीशियम रिबन को अगर मैं जलाऊं, ठीक है, तो वो जब जलता है ना बेटा तो क्या होता है, जलते टाइम उसमें से एक डार्जलिंग चमकदार फ्लेम निकलती है। यानी कि जो उसकी जब जल रहा होगा ना, जो उसमें से फ्लेम निकलेगी वो बिल्कुल चमकदार होगी, ठीक है ना, और ऐसे ही जलता है वो। और फिर नीचे तुम देखोगे एक पाउडर इकट्ठा हो जाएगा जलने के बाद, यानी कि जिसको हम नॉर्मली जैसे लकड़ी को जलाते तो नीचे राख बच जाती ना, तो राख की तरह ही पाउडर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और मैग्नीशियम रिबन जल जाता है पूरी तरीके से। अच्छा, उसकी डार्जलिंग फ्लेम कैसी होती है? जैसे दिवाली पर तुमने एक फुलझड़ी में तो खैर ज़्यादा मतलब रोशनी निकलती है उसमें से, ठीक है ना, लेकिन नहीं फुलझड़ी की तरह नहीं। अच्छा, एक छोटी सी चीज और आती है जिसको हम नॉर्मली बच्चे पेंसिल बोल देते हैं, जो दिवाली के टाइम पे जलाई जाती है, या फिर हंटर टाइप आता था एक, ठीक है ना, देखा हो किसी ने। तो वो जब जलता है ना तो तुम देखोगे उसकी फ्लेम जो निकलती है ना वो थोड़ी चमकदार निकलती है, लेकिन वो फुलझड़ी की तरह नहीं होती। तो वैसी फ्लेम निकलती है जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, यानी कि चमकदार और डार्जलिंग फ्लेम निकलती है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। और जलने के बाद जो हमारा पाउडर इकट्ठा होता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। अब बात आती है क्यों ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर इकट्ठा क्यों हुआ? तो बेटा सबसे पहली बात क्या कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर इसलिए आया क्योंकि हमें पता है कि किसी भी चीज को जलने के लिए, किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के तो बेटा कोई चीज जल ही नहीं सकती। समझ में आ रही बात? तो बेटा हुआ क्या, मैग्नीशियम था, क्या था हमारे पास, मैग्नीशियम था, ठीक है, मैग्नीशियम था। जैसे उसको जलाया बेटा तो जलाते वक्त टाइम क्या बताया मैंने आपको, ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है बेटा हर किसी चीज की। जब भी कोई चीज जलती है, कंबशन होता है, तो उसकी किससे रिएक्शन होती है? ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम था, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, और जलने के बाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। तो ये क्या है, आपने एक चीज देखी, आपने मैग्नीशियम रिबन लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई उसकी, ठीक है, और एक नई चीज बनी मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। जब आप उसको जलाओगे तो नीचे पाउडर इकट्ठा हो जाएगा राख की तरह, ठीक है ना। अब ये जो नई चीज है ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर,
यही हमारा एक जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो चीज बनती है वही हमारा प्रोडक्ट होता है, यानी कि ये प्रोडक्ट हुआ हमारा। अच्छा, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होता है बताता हूँ अभी, ठीक है। तो प्रोडक्ट हुआ, अब ये प्रोडक्ट मैंने क्या बताया था केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, नया प्रोडक्ट बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज, और जो कि बिल्कुल अलग होती है जिनसे मिलकर बना है। तो बेटा ना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम जैसा होता है और ना ही मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन जैसा होता है। कहने का मतलब है एंटायरली हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी बिल्कुल अलग होंगी जिनसे वो मिलकर बना है। अब बात कर लेते हैं हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, किसकी बात कर लेते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, जिसको बेटा हिंदी में बोलते हैं रिएक्टेंट को अभिकारक और प्रोडक्ट को बोलते हैं बेटा उत्पाद, ठीक है। तो बेटा अभिकारक उत्पाद यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है क्या, तो मैंने क्या बताया आपको कि पहली बात तो सुनो, रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। जैसा कि यहां पर देखो इस ग्रे कलर की जो केमिकल, जो ग्रे कलर बना था केमिकल रिएक्शन होकर, तो उस ग्रे कलर को बनाने में किस किस ने पार्टिसिपेट किया था, व्हाइट कलर ने पार्टिसिपेट किया था और ब्लैक कलर ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये व्हाइट एंड ब्लैक क्या हो गए, रिएक्टेंट, व्हाइट और ब्लैक क्या हो गए हमारे, रिएक्टेंट हो गए। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बेटा, क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं हम उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपकी आपको चाय बनाने का एग्जाम्पल दिया था, चाय बनाने के एग्जाम्पल में पानी, चीनी, दूध, चाय पत्ती, ये सारी चीज क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। क्या है, रिएक्टेंट्स है, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट की, व्हाट इज प्रोडक्ट, उत्पाद जिसको बोलते हैं बेटा। प्रोडक्ट होते हैं जो नया सब्सटेंस बना है केमिकल रिएक्शन के दौरान, जो नया सब्सटेंस बना है उसी को हम प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के चलते जो नया नया सब्सटेंस बनता है, जो नया पदार्थ बनता है, उसी को हम उत्पाद कहते हैं। जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर जो है ग्रे कलर नया उत्पाद बना, यानी कि ग्रे कलर नया प्रोडक्ट बना है, तो ग्रे यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर तुम देखोगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट होंगे, ये दोनों क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, और प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, सब पता लग गया, ठीक है। चलो जी हम आगे पढ़ते हैं अब। तो बेटा देखो यहां पर मैंने वही चीज लिखी हुई है अच्छे से कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट बर्न इन एयर विद अ डार्जलिंग चमकदार व्हाइट फ्लेम टू फॉर्म अ व्हाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्चुअली द हीटिंग मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। साफ साफ पता लग रहा है मैग्नीशियम प्लस, ठीक है, ये सारी मैंने बता दिया आपको। चलो जी अब बेटा एक चीज देखते हैं यहां पर, ठीक है। अब तो जो नेक्स्ट है हमारा वो देखते हैं क्या है। बेटा जो सबसे पहली बात, जो मैंने आपको मैग्नीशियम रिबन जलाने की बात करी है यहाँ पर, ठीक है ना, मैग्नीशियम रिबन को जलाने की जो बात करी है बेटा, तो एक चीज ध्यान में रखनी पड़ती है हमें, और ये इंटेक्स का क्वेश्चन भी है, ठीक है, आपकी बुक का ही, कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते टाइम, क्या मैग्नीशियम रिबन को जलाते टाइम हमें एक सावधानी बरतनी पड़ती है, क्या, कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको सैंड पेपर से साफ किया जाए। बात आती है क्यों बेटा, सबसे पहली बात तो मैग्नीशियम रिबन एक मेटल है, मैग्नीशियम रिबन क्या है, एक मेटल है, और ये मेटल एनवायरमेंट में जो प्रेजेंट गैसेस हैं उनसे रिएक्शन करके बेटा क्या करता है, ये मेटल अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है जिसको हम मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड, मेनली ये मेटल ऑक्साइड की एक अपने ऊपर लेयर बना लेता है। लेट सपोज ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, इस मैग्नीशियम रिबन ने क्या करा, इन गैसेस से रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना ली, ठीक है। ये लेयर क्या करेगी, ये वाली लेयर इसको जलने में बैरियर क्रिएट करेगी, यानी कि जो बर्निंग प्रोसेस था उसमें क्या करेगी, बैरियर क्रिएट करेगी, मतलब कि बाधा आएगी, ठीक है, यानी कि जो इसको जलाएंगे हम तब हमें दिक्कत होगी, ये जलेगी नहीं जल्दी से, क्यों, क्योंकि ये कोटिंग उसको बचा रही है जलने से। अच्छा, जलते वक्त क्या होता था, ऑक्सीजन से रिएक्शन होती थी बेटा, किससे रिएक्शन होती थी, ऑक्सीजन से, यानी कि जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। अब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ही नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि ये जो लेयर है ना, ये जो लेयर है ये इसको ऑक्सीजन से कनेक्ट होने ही नहीं दे रही है,
यानी कि ऑक्सीजन से जुड़ने ही नहीं दे रही, ऑक्सीजन से मिलने ही नहीं, रिएक्ट ही नहीं करने दे रही, तो ये जलेगी नहीं। इसीलिए क्या करा जाता है कि इसको सैंड पेपर से साफ किया जाता है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, ताकि ये वाली जो लेयर है वो उसको हम हटा सके। समझ में आ रही बात? तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्या करा जाता है, साफ किया जाता है। ठीक है, चलो जी, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, जलाने से पहले साफ करते हैं। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ लिया। अब केमिकल रिएक्शन के कुछ मतलब टाइप्स देखते हैं, टाइप्स नहीं, केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। कहते हैं केमिकल रिएक्शन कीप ऑन अकरिंग इन आवर डेली लाइफ, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में हमें देखने को मिलती है। तो वो देखते हैं, कहता है सोरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, व्हेन लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। कह रहा गर्मियों के तापमान, गर्मियों में, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल जो हमारा तापमान होता है घर, ठीक है, कमरे का तापमान, उस पर अगर रख दिया जाए गर्मियों में, तो तुमने देखा होगा मिल्क जो होता है, जो दूध होता है हमारा, वो खराब हो जाता है। ठीक है, खट्टा हो जाता है, थोड़ा खराब हो जाता है, जिसको हम बोल देते हैं फट जाता है दूध। ठीक है, वो ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, वो खराब हो जाता है केमिकल रिएक्शन होने की वजह से। फिर सेकेंड है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। बेटा मिल्क से जब दही बनाई जाती है, सबको पता है, सबको पता है, घर पे बनाई जाती होगी, ठीक है ना? तो दूध से जब दही बनाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही होती है। ठीक है, दूध दूध से दही में कन्वर्ट हो जाना, ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। एक जो बैक्टीरिया होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, सॉरी, ठीक है ना, वो इसको मदद करता है, इसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, वही करवाता है। कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। उसमें भी तुमने देखा होगा मम्मी अलग अलग चीज़ें मिलाती हैं। ठीक है, बहुतों को कुछ चीज़ें पसंद नहीं होती। ठीक है बेटा, सारी सब्जी खाया करो। ठीक है, तो जो मम्मी बनाती है अच्छे से, उसमें क्या होता है कि अलग अलग सब, मतलब अलग अलग नहीं, मम्मी बहुत सारे मसाले डालती है, अलग अलग चीज़ें डालती है, और फिर फाइनली एक प्रोडक्ट तैयार होता है जिसको खाने में बहुत मज़ा आता है, और खा के फिर क्या बताऊँ मैं तुम्हारे को, मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, वहाँ पर एक नया प्रोडक्ट बना, यानी कि वो भी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन होना, यानी कि खाने का पचना। ठीक है, अब खाना जब पचता है बेटा, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में चल रही होती है। उसमें से जो खाना हमने खाया, उसमें से कार्बोहाइड्रेट को अलग निकालते हैं, प्रोटीन को अलग निकालते हैं, जो कि हमारे बॉडी में यूज़ किए जाते हैं। यानी कि एक तरह से क्या होता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है, वो भी हमारी क्या, एक केमिकल रिएक्शन ही होती है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में इनको अच्छे से पढ़ेंगे। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का फर्मेंटेशन हो जाना, किण्वन हो जाना, हिंदी में किण्वन बोलते हैं इसको। ठीक है ना, अब फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जो फर्मेंटेशन होती है एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम क्या करते हैं, मेनली अल्कोहल बनाने के लिए, तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि शुगर को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में। ठीक है, शुगर को, शर्करा को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, बेटा लोहे पर जंग लगना ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जंग क्या, एक नया प्रोडक्ट है जो कि किससे बना है, लोहे से, और जो हमारे एनवायरमेंट में गैसेज है, वाटर है, उनसे रिएक्ट करने, मॉइस्चर से रिएक्ट जब लोहा करता है तो जंग लग जाता है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, यानी कि जो हम फ्यूल्स वगैरह का को जलाते हैं, यानी कि जो गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह डाला जाता है, डीजल वगैरह डाला जाता है, वो बर्न होता है। बर्न होते वक्त भी जो गैसेज निकलती है, हार्मफुल गैसेज जो पॉल्यूशन फैलाती है, यानी कि गैसेज क्या हुई, नया प्रोडक्ट हुआ। ठीक है ना, जो कि हो रहा है, आई बात समझ में? ठीक है, चलो जी, तो वो एक नया प्रोडक्ट हुआ, बर्निंग ऑफ फ्यूल हो गया। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, मोमबत्ती को जलाना, मोमबत्ती जब जलती है तो वो भी क्या, एक तरह से नया प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो बेटा हमने आज की इस लेक्चर में, यानी कि हमारे जो आज की इस क्लास में हमने सीखा है, वो मेनली हमने सीखा है केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो अगर आपको समझ में आया केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कौन कौन सी हम डेली लाइफ में देखते हैं, अगर आपको समझ में आया, तो बेटा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, जिसको समझ में नहीं आया हो कि केमिकल रिएक्शन क्या है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके लिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ओके बेटा।